अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज यासर यास। आज का हमारा लेक्चर क्लास 10th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में से है, जिसका नाम है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअली साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज इन व्हिच वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इन केस ऑफ बायोलॉजी एज मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन, देन वी प्रॉब्लम सॉल्व अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ problems with the help of biological methods. So we discuss about the biological methods. What is biological methods? Actually, biological method is the scientific method or to solve the problems. A scientific method to solve the problem is termed as biological methods. And biological methods help us nearly about 500 years. बायोलॉजिकल जो मेथड्स हैं वो तकरीबन हमें 500 सालों से हमारी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन से हैं या किस तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे, डिटेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स। सो एक्चुअली in biology, like other sciences, modern theories or in evolved, yani jo theories pehle thi wo new knowledge ke sath kya ho gayi hain, replace ho rahi hain, ki un theories ko replace kiya ja raha hai, unko better kiya ja raha hai, modify kiya ja raha hai, kyunki jaise jaise science ke andar changes aa rahi hain, isi tarah biology ke andar bhi changes aa rahi hain, adaptation ho rahi hain, aur yani ki jo pehle theories thi वो थ्योरीज क्या हो रही हैं, रिप्लेस हो रही हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है। तो उसके लिए क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। किस तरीके से हम इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स लेते हैं, और उसमें से कौन सा नंबर वन स्टेप है, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कौन सा। कोई भी बायोलॉजिस्ट होता है वो अडॉप्ट करता है कि अगर कोई सोसाइटी के अंदर या कहीं किसी जगह कोई प्रॉब्लम्स आया है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई किसी भी प्रॉब्लम से वो बायोलॉजिस्ट इनकाउंटर होता है तो वो बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करते हुए उन प्रॉब्लम्स को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप क्या है, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए कि प्रॉब्लम है क्या, सोसाइटी के अंदर हो या कोई डिजीज जैसे आउटब्रेक हो जाती है, जैसे कि कोरोना वायरस के केस में आप देख लें तो ये एक प्रॉब्लम है जिस पे बायोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं कि ये डिजीज किस वजह से हुई और इसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है। ये क्या है, सबसे पहले है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उनको ये रिकग्नाइज हो गया है कि ये कौन सा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कोरोना वायरस के केस में, तो फिर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है कि इसकी वैक्सीन कैसे बनानी है, तो उस पे काम हो रहा है। यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिकग्नाइज करना, किसी भी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना। नंबर सेकंड है ऑब्जर्वेशन, कि उसके बारे में ऑब्जर्वेशन बनाना। और ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन इज बेस्ड ऑन 5 सेंसेस। कि जो ऑब्जर्वेशन है वो 5 सेंसेस पे डिपेंड कर रही है। उनमें से क्या है, नंबर 1 है हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल और विजन। दीज आर द 5 सेंसेस विच on which observation depend. With the help of these senses, we observe anything. Like if we see some problem, then observation sense vision is involved to see anything. If we touch the someone particles, then we observe which type of particle are these. कि अगर हम कोई ऐसे पार्टिकल्स कुछ पड़े हुए हैं जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम उनको उठा के देखते हैं कि ये कौन से पार्टिकल्स हैं, यानी उसमें हम कौन सी ऑब्जर्वेशन थी, यानी कि टच वाली, जैसे हम टच कर रहे हैं उनको उठा के देख रहे हैं ये कौन सी ऑब्जर्व, कि हाँ ये कौन सी चीज है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई चीज है उसको हम टेस्ट के थ्रू बता रहे होते हैं कि इसका टेस्ट चेक करके बता रहे होते हैं कि ये चीज है। और सम टाइम हम कुछ गैसेस होती हैं उनको किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, स्मेल के थ्रू, कि अगर कोई गैस ओपन है, कोई गैस के किसी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो हम उसकी गैस की स्मेल से पता लगा सकते हैं कि ये इस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से
हम ये ऑब्जर्वेशन के अंदर ये फाइव सेंसेस यूज करते हैं, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल और विजन। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो दो टाइप्स की होती है, कौन सी? एक है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी क्या है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है? इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वी राइट द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म, वी राइट द वैल्यूज लाइक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री, दीज आर वैल्यूज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, दिस इज क्वांटिटेटिव। इन केस ऑफ when we measure water and ethanol weight, then we write as water is 100 gram in 1 liter, but ethanol is 789 gram in 1 liter। The values which the quantitative observation को हम इस तरीके से कर सकते हैं, the observation which we write in numerical form is known as quantitative observation. In case of qualitative observation, we cannot write this observation in the form of numerical. We just see and like smell, taste, touch, these are qualitative observation. कि हम उनकी quality को check कर रहे हैं कि उसकी smell कैसी है, उसका taste कैसा है। ये जो चीजें आती हैं, ये किसमें आती है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। लाइक जैसे कि हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द वेट ऑफ वाटर इज हायर देन 1 kg, वेट ऑफ वाटर इज हायर देन 1 kg वेट ऑफ एथेनॉल। सो दीज आर द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, वी कैन नॉट राइट दीज ऑब्जर्वेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। So the number third step we take for the in case of solving the biological problem is formulation of hypothesis. हम क्या बनाते हैं? Hypothesis बनाते हैं। और hypothesis क्या होता है? Hypothesis is the statement untested explanation of the observation. The statement which give untested explanation of the observation is called hypothesis. अब ये hypothesis ऑब्जर्वर जो होता है, ये जो बायोलॉजिस्ट होता है, किस बेस पे बना रहा होता है? एक्चुअली हाइपोथेसिस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड बैकग्राउंड नॉलेज व्हिच ऑब्जर्वर गेन। कि जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है ऑब्जर्वर के पास, उस बेस पे वो हाइपोथेसिस बनाता है, या उसके पास जो डेटा होता है उसकी बेस पे वो क्या बना रहा होता है? हाइपोथेसिस बना रहा होता है। जैसा कि अगर एक कॉलोनी के अंदर हम चेक कर रहे हैं डायबिटीज के पेशेंट, कि हम एक कॉलोनी के अंदर 100 हाउस हैं और हमने 50 का डेटा कलेक्ट किया है और हमें हर हाउस में 2 डायबिटीज के पेशेंट मिले हैं, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हाइपोथेसिस अपना बना सकते हैं कि अगर 100 हाउसेस में से हमने 50 को चेक किया और हर घर में 2 डायबिटीज के पेशेंट मिले, यानी कि 50 × 200 पेशेंट है 50 हाउसेस के अंदर, तो इसका मतलब है 100 हाउस यानी पूरी कॉलोनी के अंदर 200 डायबिटीज के पेशेंट होंगे। ये हमने हाइपोथेसिस बनाया ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड डाटा, कि हमारे पास डाटा था उसकी बेस पे हमने हाइपोथेसिस बनाया, या जो ऑब्जर्वर है उसके पास नॉलेज था इन चीजों का कि किस तरीके से डायबिटीज अक्कर हो रही है, क्या रीजन है जिसकी वजह से इस कॉलोनी के अंदर डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा है, और उस बेस पे वो हाइपोथेसिस बनाता है कि यहाँ पे इतने पेशेंट्स होंगे। So, hypothesis has following characteristics. कि जो हम hypothesis बनाते हैं, hypothesis की कुछ characteristics होती हैं। It should be general statement. कि जो हम hypothesis बना रहे हैं, वो क्या? वो general statement हो। होनी चाहिए। It should be tentative idea. Tentative कहते हैं, tentative idea meaning untested idea. जिसको अभी हमने experiment जिसका नहीं लगाया होता। हम जस्ट क्या करते हैं, अपना डाटा देख रहे होते हैं, या ऑब्जर्वर जो होता है, या जो बायोलॉजिस्ट होता है, जो साइंटिस्ट होता है, वो क्या होता है? डाटा की नॉलेज, डाटा की बेस पे हाइपोथेसिस दे रहा होता है, या फिर किस बेस पे वो दे रहा होता है? बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे। सो इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, यानी कि अनटेस्टेड आइडिया होना चाहिए। और नंबर सेकेंड है, इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उसके साथ ये एग्री कर रहा हो, जो हम हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं
वो क्या हो, जो हम ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमने देखा है, जो हमने कलेक्ट किया डेटा, उसको क्या कर रहा हो, एग्री कर रहा हो, उसके साथ मैच हो रहा हो कि हम ये हाइपोथेसिस बेस पे बना रहे हैं। इट शुड बी सिंपल एज पॉसिबल, ये इजी होना चाहिए, जो हम हाइपोथेसिस दे रहे हैं वो बहुत सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग भी हो सकता है जो हमने हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे कि क्या इसके रिजल्ट सही आते हैं, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है, जो हम कह रहे हैं, इस वजह से कि वो सिंपल होना चाहिए, हम इस वजह से कहते हैं कि इट शुड बी सिंपल एज पॉसिबल, ये इतना सिंपल होना चाहिए कि हम उसको इजीली टेस्ट भी कर सकें। इट शुड बी टेस्टेबल, नंबर 5 है, इट शुड बी टेस्टेबल, इसको टेस्ट किया जा सके, कम से कम उसका एक्सपेरिमेंट किया जा सके और वो इजीली किया जा सके, क्योंकि वो अगर सिंपल होगा तो हम इजीली उसका एक्सपेरिमेंट भी लगा सकते हैं, उसके रिजल्ट्स भी अटेन कर सकते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। नंबर 4 पे आते हैं, वैल्यूएबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप लेते हैं, डिटेक्शन, यानी लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस, कि जो हम रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, जो हमने हाइपोथेसिस दिया, हमने उसके टेस्ट किया, उसका एक्सपेरिमेंट, यानी कि उसको किस तरीके से उसके रिजल्ट लगा रहे हैं, इसमें है लॉजिकल कंसीक्वेंसेस, यानी कि लॉजिकल नतीजे, कि हम लॉजिक दे रहे हैं कि अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे होना चाहिए, यानी इसमें हम वर्ड इफ एंड देन शो कर रहे हैं कि अगर ये चीज ऐसे है तो इसके रिजल्ट में इसका ये रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि हम लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिकली कंसीक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, कि हम बातों से, हम लॉजिक के साथ हम सोच रहे हैं कि अगर ये चीज ऐसे ट्रेवल करती है, यानी अगर कोई है, एक गाड़ी की एग्जांपल ले रहे हैं, अगर एक गाड़ी 100 की स्पीड से जाती है और एक और गाड़ी खड़ी है, तो हम कहते हैं कि ये 200 की स्पीड से ट्रेवल करती होगी, यानी हम लॉजिक दे रहे हैं, हम कोई अभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, लॉजिकली कंसीक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस जो होते हैं उसको हम कहते हैं डिटेक्शन। हाइपोथेसिस देन टेकन एज ट्रू, जो हम लॉजिक दे रहे होते हैं उसकी बेस पे हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ट्रू साबित हो जाते हैं, कि सही साबित हो जाते हैं। और इसमें हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, इफ एंड देन, हम टू वर्ड यूज करते हैं इसके अंदर, कि इफ एंड देन का देन यूज करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इफ एंड देन के केस में, कि एग्जांपल है कि इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि तमाम परिंदों के क्या हैं, पर हैं, और हम कहते हैं स्पैरो इज अ बर्ड, तो हम इसका नतीजा क्या निकाल रहे हैं, देन स्पैरो हैव विंग्स, के स्पैरो के भी पर होते हैं। हमने पहले क्या देखा है कि डिडक्शन कैसे कर रहे हैं, लॉजिक कैसे दे रहे हैं, हम कहते हैं कि तमाम परिंदों के पर हैं, बट स्पैरो इज अ बर्ड, कि स्पैरो भी एक क्या है, परिंदा, चिड़िया भी एक क्या है, परिंदा है, देन स्पैरो हैव विंग्स, के स्पैरो के क्या है, विंग्स हैं, तो स्पैरो के भी पर होंगे। दैट इज, यानी कि लॉजिकली कंसीक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिटेक्शन। नाउ वी डिस्कस नंबर 5, वैल्यूएबल मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेशन इज द बेसिक स्टेप ऑफ वैल्यूएबल मेथड। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो हम हाइपोथेसिस दे रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। एक्चुअली साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द हाइपोथेसिस, Either it is right or wrong, कि जो हम hypothesis दे रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, उसके लिए क्या करते हैं scientist, जो biologist होते हैं या scientist हैं, वो क्या करते हैं, experiment लगाते हैं कि ये hypothesis either दुरुस्त है या गलत है। So through experiment, अगर through experiment we identified either hypothesis is true or not, और डिटेक्शन क्या होता है, डिटेक्शन जो है रिगोरस टेस्टिंग की जाती है, जो हम डिटेक्शन की जाती है उसकी क्या होती है, रिगोरस टेस्टिंग, मुसलसल हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं कि इधर इसकी रिजल्ट्स क्या आती हैं, कि हमने जो लॉजिक दी है उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न हाइपोथेसिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाए, यानी कि बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम हाइपोथेसिस को जो हमने टेस्ट किया है अगर वो करेक्ट हो जाए तो हम उस हाइपोथेसिस को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो न्यू हाइपोथेसिस सजेस्ट कर सकता है।
और अगर हाइपोथेसिस इनकरेक्ट हो जाए एक्सपेरिमेंट के बाद, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, तो हम क्या कर देते हैं, उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये हाइपोथेसिस हमारा ठीक नहीं है और ये हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनकरेक्ट या करेक्ट करते हैं। सो द एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज द बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। नंबर 6 बायोलॉजिकल मेथड वी यूज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, कि हम रिजल्ट्स को समराइज करते हैं। जो बायोलॉजिस्ट होता है, जो साइंटिस्ट होता है, वो क्या करता है, डाटा को इकट्ठा करता है, गैदर द डाटा, एंड क्वांटिटेटिव, जो क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, यानी कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, उस सारे डाटा को इकट्ठा करता है और उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करता है ताकि उस डाटा को समराइज किया जा सके कि किस तरीके से ये परफॉर्म किए गए एक्सपेरिमेंट और क्या रिजल्ट्स आए हैं। वो सारे डाटा को समराइज किया जाता है, एक एक फॉर्म दी जाती है कि उसके अंदर हमें कहाँ कहाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट लगाया है, कौन सी केमिकल्स की कितनी क्वांटिटी यूज की है, हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किस बेसिस पे किया है। वो सारे डाटा को अरेंज करता है और उसको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में ले आता है, यानी उसके ऊपर टूल्स अप्लाई करता है स्टैटिस्टिकली। और ईच उसमें क्या होता है, ईच अगर ग्रुप्स की फॉर्म में डाटा है तो क्या होता है, कंपेयर भी कर रहा होता है कि अगर हमें हमें ये ग्रुप्स, इस ग्रुप के अंदर ये रिजल्ट्स हमें शो हुए हैं और अगर कोई और ग्रुप है तो उसके अंदर ये रिजल्ट्स हुए हैं, तो ये हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज करते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास कैंसर के पेशेंट हैं, हमारे पास मलेरिया के पेशेंट हैं, हम उनके दरमियान एक स्टैटिस्टिकल टूल कैसे यूज करेंगे, हम देखना चाह रहे हैं कि कितने पेशेंट मलेरिया के हैं, कितने कैंसर के हैं, उसमें से कितने अनहेल्दी हैं, कितने हेल्दी हैं, हम उसकी बेस पे उनका अलग अलग डाटा लिखते हैं और उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं, जिससे हमें एक ग्राफ होता है, हम ग्राफ की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को और एक टेबल की फॉर्म में भी डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। नंबर 7 हम जो बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करते हैं, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। जब हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं और वो रिजल्ट्स करेक्ट होते हैं तो हम पब्लिश करने के लिए किसी जर्नल या बुक में उनको क्या करते हैं, पब्लिश करवा देते हैं। और जब हम पब्लिश करवा देते हैं तो हम उनकी टॉक्स करते हैं डिफरेंट मीटिंग्स के ऊपर, यानी कि नेशनल लेवल की मीटिंग, इंटरनेशनल लेवल की, इन कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसके ऊपर टॉक होती है और लोगों को अलाउ कर दिया जाता है कि आप इस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या आप इस पे काम कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका हमने ये रिजल्ट्स निकाले हैं, अब आप इस पे काम कर सकते हैं। जैसा कि कोरोना वायरस के केस में देख लो कि सबसे पहले उसके प्रोफाइल को चेक किया गया कि उसकी जेनेटिक प्रोफाइल क्या है, कि वो आरएनए है या डीएनए वायरस है, फिर उसको देखा गया कि इसका लिंक किसके साथ है, जिसका सार्स कोविड 2 के साथ उसका लिंक हो रहा था, तो उसको चेक किया गया। फिर जब इन सारी चीजों को देख के गया, रिजल्ट्स आ गए कि इसका ये इसके साथ लिंक है, यानी फाइलोजेनेटिक जो है, फाइलोजेनेटिक इसकी जो जीन्स है वो इसके साथ रिलेट कर रहे हैं 50% इसके साथ, 70% सोर्स के साथ, तो 75% सोर्स के साथ, तो इसके इससे हमें ये पता चला कि अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसके ऊपर वैक्सीन अब प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले जो काम किया था वो उसकी डिटेक्शन ऑब्जर्वेशन की, फिर हमने रिकॉग्नाइज किया है, हाइपोथेसिस बनाए, उसके जो रिजल्ट्स है उसकी बेस पे हम वैक्सीन बनाना हमने शुरू कर दी है। सो इस केस में मैं आपको एक और एग्जांपल देता जाऊं कि मलेरिया के केस में देख लें, हमने सबसे पहले मलेरिया के केस में बायोलॉजिकल मेथड कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था कि अब हमारे पास क्या था, प्रॉब्लम था मलेरिया, ये तो रिकॉग्नाइज हो गया कि मलेरिया की वजह से डिजीज कॉज हो रही है, लोगों की डेथ कॉज हो रही है, फीवर हो रहा है लोगों को, तो ये हमें रिकॉग्नाइज हो गया। फिर हमने ऑब्जर्वेशन किया किस बेस पे, कि जो मार्शी एरियाज के लोग हैं और मलेरिया का आपस में कुछ रिलेशन है, जो मडी एरियाज के अंदर रहते हैं उनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। हमने फिर देखा ऑब्जर्वेशन एक और की कि क्यूनेन एक ड्रग है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती है, उसका कोई रिलेशन हो सकता है। फिर हमने एक और ऑब्जर्वेशन बनाई कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया काज हो सकता है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमने क्या अपना हाइपोथेसिस बनाया कि अगर हमने हाइपोथेसिस ये दिया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम है। अब डिडक्शन जो हमने दिया उसमें हमने क्या किया, अगर इफ हम ये कह रहे हैं कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा। फिर जब हमने एक्सपेरिमेंट लगाए, हमने देखा कि जो लोग ओपन एनवायरनमेंट के अंदर सोते हैं, आउटडोर
तो उनके अंदर क्या हुआ, मलेरिया ज्यादा था। जो नेट के अंदर सोते हैं यानी जाली लगा के सोते से बाहर सोते हैं या जिन्हें कहीं भी नेट लगाकर, उनके अंदर मलेरिया कम था। और जो लोग स्मोक के करीब होते हैं सोते हैं उनमें भी मलेरिया बहुत कम देखा गया है। तो इससे हमने ये अकस किया और फिर हमने देखा कि एक मॉस्किटो है, जो मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होता है जो वो क्या ट्रांसफर करता है टू द ह्यूमन ब्लड के अंदर। और जब एक मलेरियल पेशेंट होता है एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट होता है, मॉस्किटो बाइट करता है और वो क्या होता है दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। तो इसी तरीके से हमने चेक किया जब ब्लड को, तो हमने देखा कि प्लाज्मोडियम जो पेशेंट थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो ये हमारे रिजल्ट्स आ गए और हमने ये बताया कि मॉस्किटो की वजह से प्लाज्मोडियम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर होता है और मलेरिया काज होता है, यानी कि ये रिजल्ट हमने शो करा है। तो इसी तरीके से आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। उसमें हमने 7 स्टेप्स देखे, जिसमें रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम था कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर नंबर 2 था ऑब्जर्वेशंस कि हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, उसके बाद था कि हाइपोथेसिस किस तरह से हम डिटेक्शन किस तरह से डिटेक्शन था, डिटेक्शन के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के एक्सपेरिमेंट लगाते हैं कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको प्रूफ किया जाए कि जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो दुरुस्त है कि नहीं है। फिर हमने नंबर 6 पे समराइजेशन ऑफ रिजल्ट के रिजल्ट को समराइज किया सारे न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किए कि हमने इतने ग्रुप्स को स्टडी किया और उसके अंदर ये पेशेंट हमें शो हुए, यानी उसको एक ग्रुप की फॉर्म में एक न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करते हुए समराइज करते हैं। नंबर 7 पे हम क्या करते हैं रिपोर्ट कर देते हैं रिजल्ट्स को, जो हमारे रिजल्ट्स हमें अटेन होते हैं उनको हम पब्लिश करवाते हैं और फिर डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर उनके ऊपर टॉक्स होती हैं कि इधर ये रिजल्ट्स सही हैं गलत हैं, यानी उनके ऊपर टॉक भी होती है और इसके अंदर सजेशंस दी जाती हैं डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर। फिर हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया मलेरिया की कि किस तरीके से मलेरिया कॉज होता है, उसमें हमने क्या क्या हमने ऑब्जर्वेशन की पहले रिकॉग्नाइज किया, फिर ऑब्जर्वेशन की, उसमें फिर हमने हाइपोथेसिस बनाया, डिटेक्शन किया, फिर एक्सपेरिमेंट लगाए तो हमें रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए जिनको हमने समराइज किया और फिर क्या कर दिया जर्नलाइज यानी उसको रिपोर्ट कर दिया, उनके रिजल्ट्स को जर्नल के अंदर पब्लिश कर दिया। सो इसके साथ ही आज का लेक्चर फिनिश होता है। ओके, गॉड ब्लेस यू।